नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है करियर बीट की इस फैमिली में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बीटीसी कैंडिडेट्स द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन के बारे में, जो कि एनसीटीई द्वारा जारी किए गए उस गजट के लिए है जिसमें यह कहा गया था कि अब से भविष्य में होने वाली प्राथमिक स्तर की चयन प्रक्रिया में, जो कि कक्षा 1 से लेकर 5 तक की होती है, उस चयन प्रक्रिया में बीएड वाले कैंडिडेट्स भी बराबर तरीके से भाग ले सकते हैं बीटीसी वाले कैंडिडेट्स के साथ। तो दोस्तों, इसी मुद्दे को लेके बीटीसी कैंडिडेट्स विरोध कर रहे हैं और इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा उनके फ़ोटोज कि लगभग हर ज़िले से मेरे पास कुछ फ़ोटोज आए हैं। दोस्तों, मैं इस वीडियो में पूरा इंक्लूड करूंगा। लगभग उत्तर प्रदेश के सभी ज़िलों में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है बहुत ही बड़े लेवल पर और माननीय जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा जा रहा है इसके संदर्भ में और उनसे आग्रह किया जा रहा है कि आप इस मुद्दे को केंद्र सरकार तक पहुँचाएँ और उनसे इस फैसले को वापस लेने के लिए उन पर दबाव डालें। दोस्तों, यहाँ पे मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि करियर बिट की यह फैमिली किसी भी एक वर्ग विशेष के साथ नहीं है। ना तो करियर बिट बीएड वाले कैंडिडेट्स और ना ही बीटीसी वाले कैंडिडेट्स के पक्ष में बोल रही है। यहाँ पे करियर बिट की फैमिली बस आप लोग के सामने निष्पक्ष तरीके से जो मुद्दे चल रहे हैं उनको आप लोग के सामने प्रस्तुत कर रही है ताकि आप लोग खुद फैसला कर सकें कि क्या चल रहा है और क्या गलत चल रहा है और किसके पक्ष में और किसके विपक्ष में है। करियर बिट फैमिली इसकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेती है और ना ही किसी के पक्ष में है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को याद दिला दूं कि यदि आप करियर बिट के इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी किसी नए अपडेट के लिए मैं वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, मेरे कुछ व्यूवर्स ने लगभग हर ज़िले से कुछ फ़ोटोज़ भेजे हैं, उनको मैं इस वीडियो में शामिल करूंगा और साथ ही हर ज़िले में बहुत ही बड़े लेवल पे विरोध किया जा रहा है एनसीटी के उस फैसले का विरोध किया जा रहा है जिसमें यह बोला गया था कि अब से भविष्य में होने वाली प्राथमिक स्तर की चयन प्रक्रिया में बीएड वाले कैंडिडेट्स भी बराबर तरीके से भाग ले सकते हैं बीटीसी वाले कैंडिडेट्स के साथ, लेकिन भविष्य में चयन होने के 2 वर्षों के अंदर ही उनको एक ब्रिज कोर्स करना होगा। ठीक है दोस्तों, यह फैसला चुनाव से प्रेरित हो सकता है क्योंकि जैसा आप लोग को पता है कि अगले साल लोकसभा का चुनाव होने वाला है और एक साल पहले ऐसा फैसला आना अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा करता है। दोस्तों, कि जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे, पेपर के आर्टिकल में भी ये निकला हुआ है कि वोट बैंक की राजनीति का शिकार हुए समस्त बीटीसी संयुक्त प्रशिक्षु मोर्चा। दोस्तों, एक बार बात कर लेते हैं कि आखिर मुद्दे क्या हैं बीटीसी वाले कैंडिडेट्स के। तो दोस्तों, उनका मुद्दा यह है कि अभी तक जो बेरोजगार प्रशिक्षु बैठे हैं बीटीसी कैंडिडेट्स जिन्होंने अपना प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया है वह लगभग 5 लाख कैंडिडेट्स हैं और अगर करेंट में किन कैंडिडेट्स का प्रशिक्षण चल रहा है उसकी मैं बात करूँ तो 2015 बैच के चतुर्थ सेमेस्टर, 2017 बैच के सेकेंड सेमेस्टर और 2018 बैच का प्रथम सेमेस्टर जो कि बिल्कुल स्टार्ट होने वाला है। दोस्तों, मैं यहाँ पे एक बात यह जोड़ना चाहूँगा कि 2016 बैच को शून्य कर दिया गया था सेशन लेट होने की वजह से, तो 2015 बैच में लगभग 1 लाख कैंडिडेट हैं और 2017 बैच में टोटल नंबर ऑफ सीट थी दोस्तों 2,11,000 जिसमें कुछ कम एडमिशन हुआ था तो उसमें मान के चलिए 2 लाख कैंडिडेट हैं और 2018 की मैं बात करूँ तो इसमें 2,30,075 सीटें हैं जिनमें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो एडमिशन लेंगे वह मान के चलिए 2 लाख प्लस ही कैंडिडेट्स होंगे। दोस्तों, तो 2 लाख तो माफ़ कीजिएगा 5 लाख कैंडिडेट तो पहले से ही बेरोजगार बैठे हैं और लगभग 5 लाख कैंडिडेट्स अभी प्रशिक्षण ले रहे हैं या फिर लेने जा रहे हैं 2018 को शामिल करके मैं बोल रहा हूँ। तो टोटल देखा जाए तो भविष्य में 10 लाख कैंडिडेट्स होते हैं ऐसी भर्तियों को भरने के लिए, तो उन कैंडिडेट्स का ये दावा है कि इतने लेवल पे बेरोजगार बैठे होने और प्रशिक्षण लेने के बावजूद ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि जो कि 1 से लेकर 5 तक की भर्ती होती है उसमें बीएड कैंडिडेट्स को शामिल करने के लिए क्या नौबत आ गई थी। यही मेन मुद्दा है इन बीटीसी वाले कैंडिडेट्स का। दोस्तों, बीटीसी वाले कैंडिडेट्स जो विरोध कर रहे हैं उनका दावा है कि यह केंद्र सरकार के दबाव में लिया गया फैसला है और वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित है क्योंकि जैसा कि आप पिछले कुछ समय से देख रहे होंगे तो यूपी में
बीएड प्रशिक्षण लिए हुए कैंडिडेट्स और जो टेट क्वालिफाइड हैं उनका बहुत दिनों से प्रदर्शन चल रहा था, तो एक तरह से उनको खुश करने के लिए भी यह फैसला लिया गया है, क्योंकि अगर उनकी संख्या माने जाए बेरोजगार बीएड कैंडिडेट्स की तो वह लगभग 6 लाख से लेकर 9 लाख तक कैंडिडेट्स हैं दोस्तों, तो उनको भी सरकार एक तरह से वोट बैंक के रूप में देख रही है और उनको खुश करने के लिए यह फैसला लिया जा सकता है सरकार के द्वारा, तो इसी का विरोध बीटीसी वाले कैंडिडेट्स कर रहे हैं। दोस्तों लगभग हर ज़िले से विरोध प्रदर्शन के कुछ चित्र आए हैं मेरे पास, मैं चाहता हूं आप लोग भी उसे देखें। दोस्तों मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि इसमें चित्र को मैंने उनके चेहरे को हाइड कर दिया है इस पर्पज़ से, क्योंकि इसमें कुछ हमारी सिस्टर्स महिलाएं जो कि प्रशिक्षण ले रही हैं उनको उनके चित्र भी सम्मिलित किए गए हैं, तो उनकी प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए उनके चेहरे को हाइड कर दिया गया दोस्तों, तो इसके लिए कंसीडर कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए मैं आपको इमेज दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे लगभग हर ज़िले से माननीय जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है और साथ ही साथ उनको एक मतलब कि आगे फॉरवर्ड करने के लिए यह चेतावनी के रूप में बोला गया है कि इस फैसले को आप आगे फॉरवर्ड कीजिए और केंद्र सरकार तक उनकी मुद्दे को पहुंचाइए। दोस्तों प्रशिक्षकों का यह था कि उन वह भी केंद्र सरकार को एक समय देना चाहती हैं कि कुछ समय तक वह इस मुद्दे को शांत ना चाहते हैं, अगर केंद्र सरकार फिर भी नहीं उनके फैसले को देखती है तो वह फ्री हैं हाई कोर्ट तक जाने के लिए दोस्तों। देखिए दोस्तों इसमें एक कैंडिडेट ने बैनर लिख रखा है बीटीसी वर्सेस बीएड, यह विभिन्न जिलों से प्राप्त हुए चित्र हैं जिसमें कैंडिडेट्स ने जिलाधिकारी से मिलके उनको ज्ञापन सौंपा है, देख पा रहे होंगे दोस्तों आप स्क्रीन पे। बहुत ही बड़े लेवल पे ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है दोस्तों, ये देखिए यही ज्ञापन है जो कि सौंपा गया है, ये देखिए दोस्तों आप ब्लू कलर में देख सकते हैं जिलाधिकारी का आवास है ये, यहाँ पे देखिए दोस्तों ये दूसरे ज़िले का है जिसमें जिलाधिकारी माननीय जिलाधिकारी को सौंपा जा रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों जिलाधिकारी मजिस्ट्रेट बलरामपुर का है ये। ऐसे ही दोस्तों लगभग सभी ज़िलों में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है उस फैसले को रोकने के लिए या फिर वापस लेने के लिए, या फिर उनका मुद्दा यह है कि अगर इस फैसले को वापस नहीं लिया जाता है तो जैसे बीएड वाले कैंडिडेट को शामिल किया गया प्राथमिक स्तर पे, वैसे ही मौका दिया जाए बीटीसी वाले कैंडिडेट्स को 6 से लेके 12th तक की परीक्षाओं में शामिल होकर के चयन प्रक्रिया में सम्मिलित होकर के अपना चयन करा सकें। दोस्तों इसी के संदर्भ में विभिन्न पत्रिकाओं में कुछ आर्टिकल निकले हुए हैं जो मैं जल्दी से आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूं। जैसा देखिए आप देख पा रहे होंगे बीएड शामिल करने से परेशान बीटीसी प्रशिक्षुओं ने डाइट पर किया प्रदर्शन। देखिए दोस्तों दूसरा आर्टिकल है वोट बैंक की राजनीति का शिकार हुए समस्त बीटीसी प्रशिक्षु बीटीसी संयुक्त प्रशिक्षु मोर्चा। देखिए दोस्तों ये तीसरा है बीएड के खिलाफ प्रशिक्षुओं ने खोला मोर्चा। बीटीसी प्रशिक्षुओं ने सौंपा सीएम के नाम ज्ञापन। बीटीसी प्रशिक्षुओं से दोहरा मापदंड। बीएड शामिल करने से परेशान बीटीसी प्रशिक्षुओं ने डाइट पर किया प्रदर्शन। दोस्तों यही न्यूज आप लोगों को देनी थी कि बीटीसी कैंडिडेट्स कितने बड़े लेवल पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं इस फैसले का। दोस्तों मैं आपसे आपके सुझाव आमंत्रित करना चाहता हूँ कि बीटीसी कैंडिडेट्स द्वारा किए जा रहे यह विरोध ठीक है, क्योंकि उनके भी तर्क कि 5 लाख पहले से बेरोजगार बैठे हैं और 5 लाख कैंडिडेट प्रशिक्षण ले रहे हैं या फिर लेने जा रहे हैं भविष्य में, तो यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है और ऊपर से इतनी भीड़ होने के बावजूद बीएड वाले को कैंडिडेट को इसमें इंक्लूड करके और ज़्यादा भीड़ बढ़ाना, उनका तर्क एक तरीके से सही है। दोस्तों आप क्या सोचते हैं और इस पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं कृपया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। दोस्तों बने रहिए करियर बिट के इस चैनल पर। धन्यवाद।